नमस्कार, मैं हूं धनश्री, के आर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। माखन नगर गौरव उत्सव 4 अप्रैल के नर्मदा घाट पर लगभग 15 साल पूर्व सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसमें स्नान करने वाले लोग सुलभ शौचालय का उपयोग करते थे। वर्तमान में स्थानीय बालकदास सेवादार के द्वारा उस पर अतिक्रमण किया गया, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक अनेकों बार की गई। उक्त जानकारी कलेक्टर, क्षेत्रीय सांसद को है और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद भी आज तक सुलभ शौचालय का काम चालू नहीं हो सका। इसमें नगर परिषद बुधनी की बड़ी लापरवाही दिखती है। प्रतिदिन नर्मदा घाट पर आने वाले श्रद्धालु, स्नान करने वाले तथा प्रवासी शौचालय और मूत्रालय के अभाव में बहुत परेशान नजर आती है और रात में मजबूरी में बाहर से आने वाले श्रद्धालु नर्मदा घाट पर ही मलमूत्र करते हैं, जिससे घाट गंदा हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री बोलते कि बुधनी को हिंदुस्तान में स्वच्छता के मामले में नंबर एक पर लाया जाएगा, लेकिन ये संभव कैसे होगा जब नर्मदा घाट पर ही लोग मलमूत्र कर रहे हैं। लेकिन अब तक नगर परिषद बुधनी के कान में जू तक नहीं रेंगी और नगर परिषद के उदासीन रवैया और लापरवाही के कारण अब तक नगर के बनाए गए पूर्व में शौचालय को जो बालकदास सेवादार ने अतिक्रमण किया था, उसका अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया गया है, जिससे शौचालय के जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी बालकदास के द्वारा नगर परिषद के द्वारा बनाए गए शौचालय पर अतिक्रमण कर बैठा है, उसे हटा नहीं पा रहा है। बुधनी से चांद निया की रिपोर्ट। कहाँ से आए दादाजी आप? हम साहब दीवानगंज अंबाड़ी से। यहाँ पे कैसे आए आप? हम स्नान करने आए साहब, स्नान करके पहले सोची कि चलो कहीं वो कर लें निस्तार वगैरह जी, मगर झाके जगह ऐसी कोई सुविधा नहीं थी और वो थी तो बता रहा कि टोट डाल दे रही, कहीं किसने तो रही है भगवान जान, गवर्नमेंट बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाती है। इसको जो करना चाहिए, थोड़ी सुविधा हो जाए तो अच्छी बात है साहब। क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह तोमर, में कर्मी सेना संभाग उपाध्यक्ष भोपाल। मैं यहाँ पर 15-20 सालों से कांवड़ यात्रा लेके आते हैं हम लोग यहाँ पर 100-150 लोग, तो जब भी आते हैं तो कोई बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बाथरूम के लिए वहाँ नहा रहे हैं, तुरंत बाथरूम की दिक्कत पड़ी तो लोगों को दूर दूर भगना पड़ता है। नहीं, महिलाओं के लिए भी हम लेके आते हैं, मतलब त्यौहार सावन पे तो उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जो भी यहाँ के समाज सेवी लोग हैं उनको मिलजुल के सबको सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था करानी चाहिए, जो बंद पड़ी है उसे चालू करानी चाहिए। ऐसे जो लोगों ने कब्जा कर रखा है, मतलब लोग नहीं, उसे तुरंत हटाना चाहिए। सीएम साहब के उनके क्षेत्र की बात है ये, तो उन्हें तो खुद सामने आकर ये काम करना चाहिए। मैं भोपाल से आया हूँ, अखिल भारतीय राष्ट्रीय छत्तीसवा महाराणा प्रताप महासभा से राजस्थान राजपूत। मैं यहाँ पे हर साल आता हूँ और कई दूसरे कार्यक्रम में भी यहाँ पे आके देखते रहता हूँ। यहाँ पे लेडीज़ों के लिए ना तो कोई सुलभ शौचालय की व्यवस्था है और ना ही कभी कोई मतलब विशेष कोई सुविधा दिखाई दी है, ना ही प्रशासन कोई मदद कर पा रहा है। अब इतने सालों से यहाँ के रहवासी और यहाँ पे और भी जो दुकानदार वगैरह अपने सब ये दुकान के जो भी अधिकारी वगैरह जो अपने सामान की वो बनी हुई है, ये लोग कंप्लेन तो डाल चुके हैं लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन और शासन कहाँ सोया पड़ा हुआ है। धन्यवाद। मैं इतना क्या नाम है? मेरा नाम दौलतराम वर्मा है, वार्ड क्रमांक 10 से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था ही नहीं है, लोग वहाँ आने जाने में परेशानी होती है। पूछते हैं हम लोगों से कहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स, तो है ही नहीं, हम बोल देते नहीं है। तो कितने साल पहले बना था सुलभ शौचालय? सर करीबन 10-12 साल पहले बना था। तो अभी बंद है क्या? हाँ अभी तो बंद है। तो यहाँ के लोगों ने शिकायत करी क्या? हाँ की थी, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, ऐसे शिकायत सुनना ही भाई। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।